हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल। फ्रेंड, वोडाफोन ग्राहक के लिए, वोडाफोन इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है दोस्तों। वोडाफोन के ऊपर जो न्यूज अपडेट हुआ उसका आप दोस्तों इंडिया का जाने माने एनालिसिस, आपको जिसको माना जिसको बोला था जी बिजनेस का एनालिसिस गुरु जी, इसको माना दोस्तों अनिल जी का क्या कहना है दोस्तों। उसके दोस्तों बात करें दोस्तों वोडाफोन आइडिया के अंदर अगर आपको बाय करना है तो क्यों करना है दोस्तों, बुल वर्सेस बियर का जो एपिसोड है उसका भी बारे बातचीत करूंगा दोस्तों। उसके दोस्तों आसू जो जो इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है दोस्तों, एनालिसिस भी है दोस्तों, उसका भी क्या कहना है, मतलब वोडाफोन आइडिया का नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ छोटे छोटे वीडियो के अंदर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अपडेट, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना फ्री में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहीं पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और एक बात दोस्तों, अगर मेरा लिंक का थ्रू अकाउंट ओपनिंग करोगे तो मिलेगा मेरा पेड ग्रुप में फ्री में एंट्री होने का मौका, जहां पे आपको डेली ढेर सारे कॉल मिलता है, आप 100% सीईओ के साथ मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया को लेके अनिल जी ने जो अपडेट दिया हुआ है दोस्तों, इसका वोडाफोन आइडिया अनिल जी का न्यू ईयर पिक, तो बता दो 2021 का सबसे बड़ा पेनी स्टॉक का जो सैटर्जी ने जो पेनी स्टॉक रिकमेंडेशन किया वोडाफोन आइडिया, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक दिखाया, क्या का लॉजिक दिखाया था वो एक बार देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करें दोस्तों नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है। सैटर्जी ने जो रीजन दिखाया था बाय करने को, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया, मतलब दोस्तों आइडिया को किसको कितना पैसा देना है, तो ये अपने पे बहुत पॉजिटिव बात है। सेकंड जो बात है, प्रोमोटर ने क्लियर बोल दिया दोस्तों, प्रोमोटर ने क्लियर बोल दिया दोस्तों उसको कंपनी को जिंदा रखने के लिए वो लोग पैसा डालने का कुछ भी कर सकता है। उसके बाद और एक बात दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी एक बात बोला था 25,000 करोड़ की फंड जुटाने का प्लानिंग कर रहा था, बट अभी का जो न्यूज निकल के आया दोस्तों, ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया के अंदर यूएस बेस्ड कंपनी ने ऑलरेडी दोस्तों लगभग आपको मालूम होगा लगभग दोस्तों 15,000 करोड़ के आसपास फंड देने वाला दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने वाला, ये अपने एक बहुत बड़ा आज का मार्केट का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन दोस्तों उम्मीद किया जा रहा है मिड जान तक, मतलब जनवरी मिड तक ये फंड आ सकता है दोस्तों, बट इसका अभी कोई क्लियरेंस नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। तो फ्रेंड, बुल वर्सेस बियर का मतलब यहीं पे दो मतलब एक वोडाफोन आइडिया के अंदर जिसको बाय नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, जिसको बाय करना है क्यों करना है। सबसे पहले जो यहाँ पे रीजन निकल के आया वो अपने पे एक बहुत बड़ा बात है दोस्तों मेरे ख्याल से। तो देखिए यहाँ पे दो निकल तेजी का आज का क्यों तेजी करना है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका से बेस्ड कंपनी ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर 15,000 करोड़ करीब डालने वाला दोस्तों, ये अपने भी एक बहुत बड़ा बात है। और सेकंड बात यहाँ पे एक नेगेटिव भी आप जो आपको माइंड में डालना चाहिए वो है दोस्तों, ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया के अंदर 50,400 करोड़ का एजीआर बॉके अभी भी बाकी है, तो ये भी एक टेंशन लेने वाला बात है दोस्तों। लेकिन ये तो बात ऑलरेडी था तो इसके लिए आपको टेंशन ज्यादा लेने का बात नहीं है दोस्तों। जो बात आया 15,000 करोड़ यहाँ पे आने वाला है दोस्तों, ये अपने आप एक बहुत बड़ा बात है, लेकिन कर्जा का भी है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड बात क्या निकल का आया दोस्तों। तो फिर यहाँ पे और एक बात आ गया, इस बस तक 2022 तक दोस्तों इसका आरपीयू 30% बढ़ने का उम्मीद है दोस्तों, जो सीएलएस ने बोला, सीएलएस ने एक यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट दिया दोस्तों, इसका आरपीयू तो 30% इंक्रीज होने वाला दोस्तों। लेकिन यही पे जो बोला गया अगर इंक्रीज होगा भी तभी दोस्तों इसका आरपीयू सबसे कम रहेगा, तो 119 का, जिसका जैसे हम लोगों का एयरटेल के साथ कंपेयर करें, जियो के साथ कंपेयर करें, तो अब इसका कम है दोस्तों, ये भी अपने आप एक बात है, तो यहाँ पे उम्मीद बहुत ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट क्या, देखिए दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा, ऑलरेडी टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर सरकार का जो अपडेट है वो अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात है। टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर जो बूस्टर डोज ऑलरेडी जाना स्टार्ट हो चुका है वो अपने पे एक पॉजिटिव बात है। लेकिन और भी निगेटिव भी आदमी यहाँ पे निकल गया है, पिछले 6 तिमाही से लगातार ग्राहक छूट रहा है, मतलब दोस्तों इसके जो सब्सक्राइबर जिसके बेस पे इसका बिजनेस चलेगा, 6 तिमाही से मतलब 6 क्वार्टर से कंटिन्यूस इसके अंदर आपको डिक्रीज होते हुए देखने को मिला, मतलब इसका कस्टमर इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट का बात तो आप छोड़ दिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी सबसे बड़ा सोचने वाली बात है मेरे ख्याल से। उसका दोस्तों बात जो निकल गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी एक बात बोला गया, भारतीय एयरटेल और जियो के मुकाबला में इसका जो एक्चुअल वैल्यूएशन काफी सस्ता है, वैल्यूएशन के हिसाब से आप बोल सकते हैं तो आपको बहुत ही सस्ते मिला है। लेकिन एक और भी एक बात बोला, क्रेडिट स्विस ने बोला इसका नेक्स्ट टारगेट 6 रुपीज होने वाला दोस्तों, ये भी चौंकाने वाली बात है दोस्तों, 6 रुपीज। क्रेडिट स्विस जो वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा क्रेडिट मतलब एनालिसिस टीम, उसने ऑलरेडी इसका ऊपर एक जो अपडेट दिया, ये भी चौंकाने वाला दोस्तों, आधा प्राइस हो सकता है, ये भी बात बोल चुका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात, इसके ऊपर जो आसूस जी है जो इंडिया का जाने माने एनालिसिस है दोस्तों, इन्वेस्टर भी माना जाता है, उसने ऑलरेडी इसके ऊपर पॉजिटिव अपडेट दिया। सर जी ने भी बात बोला इसका, इस हिसाब से कंपनी के ऊपर अपडेट आ रहा है दोस्तों, उस हिसाब से अगर कंपनी चलेगा उस हिसाब से सही भी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा तो कंपनी भाग सकते हैं। तो कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया के अंदर हम लोग बात करें तो अनिल जी का भी इस साल का इन्वेस्टमेंट पीक है, आसू जी भी पॉजिटिव बात बोला, इसका वोडाफोन आइडिया का आरपी भी इंक्रीज होने वाला है, तो कुल मिलाकर हम बात करें तो 70% पॉजिटिव व्यू है दोस्तों इसके अंदर, 30% नेगेटिव
रिव्यू है। तो अभी आपको जाना है कहाँ पे, आप सोच सकते हो मेरे ख्याल से अनिल जी का बात लेके आप जा सकते हैं, बाय एंड ड्रीप का प्लानिंग आजमा सकते हैं दोस्तों। चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके डालिए प्लीज, और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर लीजिए।